कि आपके पास ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स की अकाउंट है और आपको थोड़ी सी हेल्प चाहिए ओबीसी नेट बैंकिंग अकाउंट क्रिएट करने में, देन यू आर इन राइट प्लेस। इस वीडियो पे हम सीखेंगे ओबीसी नेट बैंकिंग अकाउंट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप इन हिंदी। जो भी है, वीडियो में आगे जाने से पहले मेरा नया व्यूअर्स के लिए छोटी सी इंट्रोडक्शन। दोस्तों, माय नेम इज गौरव एंड यू आर वॉचिंग क्यू डिजिटा। क्यू स्टैंड फॉर क्वालिटी कॉन्टेंट। जो भी है, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटा या घंटी जो भी मिलेगा उसे बजाना जोर से। लैपटॉप, मोबाइल, डेस्कटॉप, आपके पास जो भी है उसके अंदर मनपसंद एक इंटरनेट ब्राउजर को ओपन करें, देन गूगल पे सर्च करें ओबीसी नेट बैंकिंग। देन आपके सामने ऐसे एक रिजल्ट आएगी। सबसे ऊपर मिलेगा ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स की ऑफिशियल वेबसाइट, उसके ऊपर क्लिक करें। जैसे कि आप देख सकते हैं, ओबीसी बैंक की ऑफिशियल नेट बैंकिंग लॉगिन पेज। इस पेज की डायरेक्ट लिंक आपको मिलेगी नीचे डिस्क्रिप्शन पे। यहाँ पे दो ऑप्शन मिलता है। अगर आपके पास सेविंग्स अकाउंट है, देन रिटेल यूजर लॉगिन बटन के थ्रू नेट बैंकिंग अकाउंट क्रिएट करना है। और अगर आपके पास करंट अकाउंट मतलब बिजनेस अकाउंट है, देन आपको दूसरा ऑप्शन के थ्रू अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। जो भी है, अगर आपको मालूम नहीं है आपके पास कौन सी अकाउंट है, सेविंग्स या करंट, देन पहला ऑप्शन के ऊपर क्लिक करें। नया अकाउंट क्रिएट करने के लिए क्लिक करें रजिस्टर नाउ बटन के ऊपर। यहाँ पे सबसे पहले बैंक अकाउंट नंबर एंटर करना है। देन अकाउंट ऑथेंटिकेशन करने के लिए पैन कार्ड नंबर नहीं तो डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है। यहाँ पे आप जो भी देना चाहते हैं वो खुद के हिसाब से एंटर करें। मैं डेट ऑफ बर्थ देना चाहता हूँ, इसलिए यहाँ पे क्लिक करके डेट ऑफ बर्थ एंटर किया। अब ध्यान से सुनिए, यहाँ पे आपको मिलता है दो ऑप्शंस। पहला ऑप्शन, व्यू ओनली सिलेक्ट करने पर सिर्फ अकाउंट स्टेटमेंट और अकाउंट बैलेंस ही चेक कर पाएंगे। और अगर आपको एक फुल्ली फंक्शनल नेट बैंकिंग अकाउंट चाहिए, देन सेकंड ऑप्शन, व्यू एंड ट्रांजैक्शन सिलेक्ट कीजिए। सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट करने पर अकाउंट स्टेटमेंट और अकाउंट बैलेंस चेक करने के साथ साथ पेमेंट और फंड ट्रांसफर भी कर पाएंगे, इसलिए मेरा स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेशन रहेगा सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट करने के लिए। जो भी है, योर अकाउंट योर डिसीजन। खुद के हिसाब से जो भी सिलेक्ट करना चाहते हैं वो सिलेक्ट करने के बाद क्लिक करें वेरीफाई बटन पे। यहाँ पे आपकी बैंक के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर रहेगा, आपको बस क्लिक करना है जेनरेट ओटीपी बटन के ऊपर। उसके बाद आपकी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, उसे यहाँ पर एंटर करने के बाद क्लिक करें कंटिन्यू बटन पे। यहाँ पे डेबिट कार्ड की डिटेल्स भरना है। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स की ऑफिशियल वेबसाइट है तो डरने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले यहाँ पे खुद की डेबिट कार्ड की नंबर एंटर करें, देन यहाँ पर एंटर करें एटीएम पिन। उसके बाद यहाँ पर कार्ड की एक्सपायरी मंथ और यहाँ पर कार्ड की एक्सपायरी ईयर एंटर करें। डेबिट कार्ड की एक्सपायरी डेट अवेलेबल है कार्ड के ऊपर, देन यहाँ पर आपकी बैंक अकाउंट नंबर एंटर करें। तो सब कुछ सही से एंटर करने के बाद क्लिक करें कंटिन्यू बटन पे। दोस्तों, दिस इज द फाइनल स्टेप। आपको लॉगिन पासवर्ड और ट्रांजैक्शन पासवर्ड सेट करना है। सबसे ऊपर यहाँ पर कस्टमर आईडी और यूजर आईडी दिया गया है। अकाउंट लॉगिन करने के टाइम यूजर आईडी लगेगी, तो इसको नोट करके रखिए, चाहे तो इसके एक स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते है। पासवर्ड सेट करने से पहले नीचे दिया गया इंस्ट्रक्शन चेक कर लेते हैं। यहाँ पे बोला गया है पासवर्ड मिनिमम 8 अक्षर से मैक्सिमम 28 अक्षर के अंदर रहना चाहिए। देन बोला गया है पासवर्ड के अंदर मिनिमम एक अल्फाबेट मतलब ABCD, एक नंबर और कोई भी एक स्पेशल करेक्टर रहना चाहिए। उसके अलावा पासवर्ड के अंदर कोई स्पेस नहीं रहना चाहिए। साथ ही साथ पासवर्ड के अंदर खुद की यूजर आईडी या यूजर नेम नहीं रहना चाहिए। नंबर 5 पे डायनामिक कीबोर्ड्स यूज करने के लिए कहा गया है। दिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज, कभी भी किसी भी हालत में पासवर्ड शेयर न करें। जो भी है, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग स्क्रीन पर है कुछ सैंपल पासवर्ड। आप भी खुद के हिसाब से पासवर्ड चुनिए। सबसे पहले जो भी लॉगिन पासवर्ड आप रखना चाहते हो यहाँ पे एंटर करें। देन सेम लॉगिन पासवर्ड को एंटर करना है यहाँ पे फॉर कॉन्फर्मेशन पर्पस। लॉगिन पासवर्ड डालने के बाद जो भी ट्रांजैक्शन पासवर्ड आप रखना चाहते वो यहाँ पर एंटर करें। उसके बाद फिर से सेम ट्रांजैक्शन पासवर्ड को एंटर करें यहाँ पे। सब कुछ सही से डालने के बाद आई एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशन की पहले चेक बॉक्स है, उसे सिलेक्ट करने के बाद क्लिक करें कॉम्प्लीट रजिस्ट्रेशन बटन के ऊपर। Congratulations, अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। नाउ टाइम फॉर फर्स्ट टाइम लॉगिन।
लॉगिन करने के लिए यहाँ पे दिया गया गो टू लॉगिन पेज के ऊपर क्लिक करें। उसके बाद ऐसे ही एक स्क्रीन आएगी आपके सामने। यहाँ पे यूजर आईडी सही से डालने के बाद क्लिक करें लॉगिन बटन के ऊपर। देन यहाँ पे पासवर्ड डाल के क्लिक करें लॉगिन बटन पे। लॉगिन डिटेल्स मैंने बिल्कुल सही से डाला था, फिर भी यहाँ पर कुछ एरर दिखा रहा है। यू आर नॉट ऑथोराइज्ड टू व्यू द डिफॉल्ट लॉगिन पेज सिलेक्टेड। और भी 2-3 बार मैंने लॉगिन करने की कोशिश की, बट सेम दिक्कतें सेम एरर मुझे बार बार शो हो रहा था। इन हालत में सपोर्ट के लिए मैंने ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स की कस्टमर सपोर्ट हेल्पलाइन पे कॉल किया। मुझे बोला गया अकाउंट क्रिएट करने के बाद 4 घंटा लगता है अकाउंट एक्टिव होने में। अगर आपको भी सेम दिक्कतें आया है फर्स्ट टाइम लॉगिन करने की टाइम, देन वो मुझे कमेंट पे बताइए। जो भी है 4 घंटे बाद, जैसे कि मुझे बोला गया 4 घंटे बाद लॉगिन करने के लिए, इसलिए 4 घंटे बाद मैंने फिर से ओबीसी नेट बैंकिंग लॉगिन पेज ओपन किया। क्लिक किया रिटेल यूजर लॉगिन पे, देन यहाँ पर यूजर आईडी डाल के क्लिक किया लॉगिन बटन पे। देन फाइनली यहाँ पर लॉगिन पासवर्ड डालने के बाद क्लिक किया लॉगिन बटन पे। पहली बार लॉगिन करने के बाद आपको करना पड़ेगा 3 एडिशनल स्टेप्स, जैसे कि सबसे पहले दिया गया टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करना है। उसके बाद ऐसे ही एक पेज आएगी आपके सामने। डरिए मत, बहुत ही सिंपल सी काम करना है यहाँ पे। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे इमेजेस है। आपकी मनपसंद किसी भी एक इमेज को सिलेक्ट करने के बाद उसकी अगेंस्ट पे कुछ भी लिखना है यहाँ पे। सिलेक्ट किया हुआ इमेज और आपने जो भी लिखा है वो आपको याद रखना है, क्योंकि अगर कभी भी आप पासवर्ड भूल जाते हैं, देन पासवर्ड रिकवरी करने के टाइम ये 2 चीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा मददगार बनेगी। और एक बात, ऐसा कोई बात नहीं है कि इमेज में जो है वही आपको लिखना है। आप कुछ भी लिख सकते हैं खुद के हिसाब से। जैसे कि मैंने 2nd पिक्चर सिलेक्ट किया और यहाँ पर मैंने लिखा क्यू डिजिटा। आप भी खुद के हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं, बट उसे याद जरूर रखना। जो भी है, थोड़ा नीचे स्क्रॉल कीजिए। नीचे दिया गया टर्म्स एंड कंडीशन की पहले एक चेक बॉक्स है, उसे सिलेक्ट करने के बाद क्लिक करें अपडेट बटन के ऊपर। बहुत बढ़िया, नाउ फाइनल स्टेप। अब हमें लॉगिन पासवर्ड चेंज करना पड़ेगा। केवल फर्स्ट टाइम लॉगिन करने की टाइम ही आपको करना पड़ेगा ये 3 एडिशनल स्टेप। फ्यूचर में ओबीसी नेट बैंकिंग अकाउंट लॉगिन करने की टाइम कभी भी आपको ये 3 एडिशनल स्टेप नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पर दिया गया है कैसे पासवर्ड सेट करना है उसकी इंस्ट्रक्शन पहले ही डिस्कस किया है हमने, फिर भी अगर आप जानना चाहते हैं, देन उस पार्ट की टाइमिंग है स्क्रीन पर। जो भी है, यहाँ पे आपकी करंट लॉगिन पासवर्ड एंटर करें। देन जो भी नया लॉगिन पासवर्ड आप रखना चाहते हैं वो एंटर करें यहाँ पे। देन फिर से दोबारा यहाँ पर नया पासवर्ड एंटर करने के बाद क्लिक करें ओके बटन पे। कॉन्ग्रेचुलेशन, फाइनली अकाउंट सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका है। दोस्तों आज का वीडियो इतना ही था। अगर आप ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स रिलेटेड दूसरा कोई वीडियो देखना चाहते हैं, देन कमेंट के थ्रू मुझे जरूर सजेस्ट करें। नेट बैंकिंग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के दौरान अगर आपको छोटी सी भी दिक्कतें आता है, देन नीचे कमेंट करें। अगर आज की वीडियो से थोड़ा सा भी हेल्प या नॉलेज मिला है, देन एक लाइक तो बनता है। इसी तरह की ट्रस्टेड इन्फॉर्मेशन की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ही जरूरी है। सब्सक्राइब किया है तो बेल आइकन को जरूर दबाना, वरना नया वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। जो भी है, एक नया वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।